इंडिया में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शायद उनको लगता है कि हम इस बच्चे की उस तरीके से पेरेंटिंग करेंगे जिस तरीके से हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन शायद नहीं हो पाई। उनको लगता है कि अगर हम उन जैसे उनको लगता है उस तरीके से अगर पेरेंटिंग होगी तो इस बच्चे का करियर, इस बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो शायद एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ और उनकी लाइफ में दिन रात का फ़र्क है। पूरा 20-25 साल का डिफरेंस होता है जो वो चाइल्डहुड में थे और जब हम एक यंग एज में होंगे या फिर हम एक चाइल्डहुड एज में होंगे, राइट। तो उस टाइम पे अब वो उस तरीके से हमारी देखभाल करते हैं जिस तरीके से उनको लगता है कि हमारी उनकी देखभाल होनी चाहिए थी जब वो अपने बचपन में थे। और उस वजह से थोड़ा सा टॉर्चर, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा कंपैरिजन जो दूसरे बच्चों के साथ वो करते हैं, उस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन यूथ में क्रिएट हो जाती है और उस प्रॉब्लम को कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंस। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90% इंडियन यूथ इतने अंडर कॉन्फिडेंट है कि वो 3 लोगों के सामने अपना क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाते। वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि वो टीचर से डायरेक्टली जाके बात करने से पहले उनको 10-15 मिनट सोचना पड़ता है कि टीचर मुझे डांटेगा तो नहीं। अब इतने जब अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होगा तो वो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करेगा। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इंडियन यूथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम से उन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं एज ए यंगस्टर और एज ए पेरेंट्स व्हेन वी विल बिकम अ पेरेंट्स, राइट। तो मेरा नाम अभिषेक है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यंगस्टर। पहली प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला, अंडर कॉन्फिडेंस। अब अंडर कॉन्फिडेंस की स्टार्टिंग हो जाती है जब भी हमारे पेरेंट्स हमें डराना शुरू करते हैं, जब भी हमारे पेरेंट्स हमें किसी चीज़ से कंपेयर करना, किसी इंसान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं शायद जो हमारे दिल में बैठ जाते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कोई एक इंसान पढ़ाई में हमसे अच्छे मार्क्स ले ले तो शायद वो उससे कंपेयर आपका करना शुरू कर देंगे कि तुमसे इतना भी नहीं होता। अगर पढ़ाई में हम बेटर हैं तो वो अब कंपेयर करने लग जाएंगे हमारे घर के कामों के साथ, वो कंपेयर करने लग जाएंगे फिजिक के साथ, वो कंपेयर करने लग जाएंगे कलर के साथ, वो कंपेयर करने लग जाएंगे हमारे अपीयरेंस के साथ। किसी ना किसी चीज़ के साथ वो दूसरों के साथ हमें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि 80% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। और जब दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है तो हमेशा हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इससे भी बेटर नहीं हैं, तो मेरी लाइफ में शायद हम किसी से भी बेटर नहीं हैं। और इसी तरीके से जब हम कॉलेज पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक तो ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करता कोई स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में उसको कंपटीशन का आइडिया लगता है और घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है पढ़ाई करने का, तो उस टाइम वो जितना प्रेशर फील करता है उसकी वजह से आज के टाइम पर सिर्फ 2 चीज़ें हो रही हैं। या तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या तो वो गलत हैबिट्स में चला जाता है। शायद पेरेंट्स डांटते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि तुम गलत हैबिट्स में चले गए, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तुम खुश नहीं रहते, लेकिन उसका अल्टीमेटली रीज़न चाहे जाने में चाहे अनजाने में हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स डिफाइन करते हैं कि हम क्या बनेंगे। अच्छे पेरेंट्स, पेरेंटिंग स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स की नहीं है क्योंकि उनको भी कभी सिखाया नहीं गया कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बनना है, किस तरीके से बच्चे के साथ डील करना है ताकि वो अच्छा सा एक बड़ा बन के वो चीज़ कर सके जिस चीज़ में वो करना चाहते हैं और उस चीज़ में वो सक्सेस हो सके, राइट। अब यहाँ तक इस तरीके से जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वो किसी से बात नहीं कर पाता। टीचर से बात करना तो दूर, वो क्लास में किसी वेल पर्सनैलिटेड पर्सन के साथ भी बात नहीं कर पाता। इसी तरीके से वो शायद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में पहुँच जाता है। जब 8वीं क्लास में पहुँचता है तो उस टाइम उसके अंदर एक चीज़ आती है और वो चीज़ होती है हमारी एजुकेशन। अब पेरेंट्स पढ़ा पढ़ा के, फोर्स करके शायद पढ़ाना शुरू कर दे बच्चों को, ट्यूशंस लगा के, वो 8 घंटे स्कूल जाएंगे, 6 घंटे स्कूल जाएंगे, 3-4 घंटे वो ट्यूशंस करेंगे, उसके बाद शायद वो मार्क्स अच्छे ले आएँ। लेकिन जब वो 10वीं और 12वीं क्लियर करते हैं तो उसके बाद शायद उनको लगता है कि ये एजुकेशन हमारे काम की नहीं। हमारे इंडिया में साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, इंग्लिश हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन किसी भी चीज़ में हमें मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें सिंपली मार्क्स लेने होते हैं। और जब तक हमें सिंपली मार्क्स लेने हैं तब तक शायद कोई भी प्रैक्टिकल तरीके से करने की कोशिश नहीं करेगा। सेम वही पॉइंट हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने थोड़े अच्छे मार्क्स ले लिए अपने टाइम पे तो उनको अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मार्क्स डजंट मैटर। आपका मैटर करता है
वो मैटर करता है कि आपने प्रैक्टिकली कितना सीखा। तो सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल नहीं है, हम प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम पे नहीं रह रहे हैं, और इसकी वजह से जितना अनएम्प्लॉयमेंट है आज के टाइम पे पूरे देश में, वो मैं सारी चीज़ें आपको बाद में डिस्कस करता हूँ अगली प्रॉब्लम में। अब सेकंड, हमने प्लस टू तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आप मुझे बताइए उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिकली काम की है। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, वो काम की है, लेकिन उस फील्ड में जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में वो जाना चाहता है, वहाँ पे भी अगर प्रैक्टिकली यूज़ करना है तब वो काम की है। अगर कोई इंसान है उसको जर्नलिस्ट बनना है, उसका वो मैथमेटिक्स का क्या करेगा, वो मैथमेटिक्स से एडवांस चीज़ें सीख के क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या करेगा, राइट? तो उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, और हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है, जितनी भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जितनी भी नॉलेज हो सकती है, हमारे दिमाग में वो डाली जाती है ताकि हम रट लें, पढ़ लें और अच्छे नंबर ले लें। अच्छे नंबर ले लिए, 10वीं में अच्छे नंबर ले लिए, 12वीं में अच्छे नंबर ले लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद लेकिन क्या वो उस चीज़ में खुश रहते हैं? नहीं। 95% जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स, वो लोग अनहैप्पी है अपनी लाइफ से जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टडी, कि वो उन्होंने वो चीज़ चूज़ नहीं की जो चीज़ वो करना चाहते थे। 95 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप समझिए 95 स्टूडेंट्स अगर अनसेटिस्फाइड हैं, अनहैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी स्टडीज़ के साथ, तो वो आगे जाकर क्या करेंगे? जब वो आगे निकलते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तब क्या होता है? तब वही होता है जो शायद होगा अगर वो चीज़ पढ़ेंगे जिनमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। उससे चलती है हमारी थर्ड प्रॉब्लम, और वो थर्ड प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अभी इस महीने, जो आज की डेट है जिसमें ये वीडियो रिलीज़ हो रही है, उस महीने में 27.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये एक सिर्फ एजेंसी के रिपोर्ट्स हैं, रियलिटी में शायद इससे बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है हर दो में से एक इंसान अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है उसको समझ लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है जितने लोग जॉब लेना चाहते हैं उतने में से कितने लोगों के पास जॉब है। तो 27 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि अगर 100 लोग जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें से 27 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उनका घर शायद कोई और चला रहा है, चाहे उनके पेरेंट्स चला रहे हैं या फिर कोई और किसी और सोर्स से वो अपना घर चला रहे हैं। अगर 27% अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप ये चीज़ समझिए कि अब 27% मतलब अगर एब्रेसा में लगा के देखूँ तो 15-16 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जब 15-16 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो जो नए ग्रेजुएट होंगे उनको शायद जॉब के लिए ऑफ़र करने वाला कोई नहीं होगा, कोई उनको नहीं बोलेगा कि तुम मेरी कंपनी में आके जॉब करो, क्योंकि 15-16 करोड़ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है तो वो नए इंसान को क्यों रखेंगे, वो पहले उनको रखने की कोशिश करेंगे। और ये हाईएस्ट है लास्ट 45 ईयर में, 45 साल में सबसे बुरे तरीके की अभी कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट में। और लॉकडाउन से पहले ये 7.6 थी और वो भी 35 ईयर में हाईएस्ट थी। तो जब इस तरीके की कंडीशन है तो जब हमारा इंडियन यूथ जब निकलेगा इंडस्ट्रीज़ में जॉब लेने के लिए तो उसको कहाँ पर जॉब मिलेगी? शायद नहीं। और शायद ये चीज़ आज आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि आज जब तक आप 30-32 साल के होते हैं उस टाइम तक तो आप इंडिया में रियलाइज़ ही नहीं कराते पेरेंट्स कि तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो। वो सिर्फ पैसा देते रहते हैं, तुम करो करो करो, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई इशू नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझते कि आप अपने बच्चे को लाचार बना रहे हो। पहले आपने लाचार बनाया उनको अंडर कॉन्फिडेंट करके, सेकेंड आपने लाचार बनाया उनके ऊपर प्रेशर बना के पढ़ाई का, अब आप लाचार बना रहे हो उनको सपोर्ट करके, तू बेचारा है तुझसे नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज में नहीं जा सकता, तू तैयारी कर, तू टेंशन ना ले, तू तैयारी कर, हम पैसा दे रहे हैं। अब जितने बेसाखियों के सहारे चलाओगे इंसान को उतना ही वो इंसान अपंग होता जाएगा। और वही कंडीशन है आज 50% हमारे यूथ की, 50% यूथ अपंग है क्योंकि वो बेसाखियों के सहारे चलना सीख लिया है उसने, वो अपनी हिम्मत से कोई डिसीज़न नहीं ले पाता और वो अपने पेरेंट्स को पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने शायद गलत किया। शायद कुछ हद तक गलती है जाने या अनजाने में पेरेंट्स की भी, लेकिन शायद गलती उस इंसान की भी है। बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं आज के टाइम पे जहाँ से वो सीख सकता है, ऑनलाइन सीख सकता है, हर जगह सीख सकता है, लेकिन वो चीज़ें वो नहीं करेगा। उसको जब फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो वो शायद यूट्यूब चलाएगा, शायद एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेगा, शायद वो किसी से बात करेगा, शायद अपने फ्रेंड से चैट करेगा, लेकिन वो दिन में एक या दो घंटा भी नहीं निकाल पाता पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि कम्फर्ट है, वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसको नहीं ज़रूरत है कोई हार्डवर्क करने की या कोई मेहनत करने की। जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो शायद इस देश का जो हम भविष्य सोचते हैं 2050 में कि
कि वो हम सुपर पावर बन जाएंगे, वो कभी पूरा नहीं होने वाला जिस तरीके से अभी कंडीशन है यहाँ पे पेरेंटिंग की। बाहर की कंट्रीज़ में 18 साल के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चे अपने आप कमाते हैं, अपने आप खाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 28-30 साल तक हम पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं। उसमें कुछ गलती स्टूडेंट्स की है, कुछ गलती पेरेंट्स की है। अब उसके बाद हमारा फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम है द प्रेशर ऑफ द फैमिली। चलो बच्चा सेटल हो गया, थोड़ा बहुत उसने जॉब करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो आगे वाली फैमिली ग्रो करती है, जैसे उसकी मैरिज हो गई, उसके बच्चे हैं आगे, तो वो प्रेशर उसी तरीके से चलेगा। और जब वो प्रेशर होगा तो वो अपने बच्चों पे गुस्सा उतारेगा, और जब बच्चों पे गुस्सा उतारेगा तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि ये साइकिल वैसे ही चलता रहता है। अब कोई भी, जब तक आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तब तक शायद वो प्रॉब्लम उसी तरीके से चलती रहेगी, और शायद आने वाले टाइम में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। इन चार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एक सॉल्यूशन। अगर पेरेंट्स कभी भी बच्चों को गाइड करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टनेस और लव दोनों का एक कम्बिनेशन बना के रखिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तो मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, और वो इस टाइम पे मेरे साथ वो पढ़ते थे स्टूडेंट्स, वो लोग अभी के टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद वो उनसे अच्छा कर सकते थे, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार ने उनको बहुत बिगाड़ दिया। सेकंड, जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो क्या होता है? तब होते हैं सुसाइड्स। लोग सुसाइड्स करते हैं, स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है। उसके बाद उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने इतना प्रेशर नहीं दिया, हम तो चाहते थे इसका फ्यूचर बने। अरे इसका फ्यूचर बन जाएगा अगर आप प्रेशर नहीं मारोगे, उसको भी टेंशन है अगर आप थोड़ा सा प्यार से समझाओगे, लेकिन हमेशा गुस्से से समझाओगे तो सुसाइड्स ही होंगे हमेशा इस कंट्री में। और इंडिया में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स का पूरे वर्ल्ड में, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। थर्ड, अगर हम अपना प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम बनाएं, गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट आगे किसी ने कुछ नहीं किया एजुकेशन पे। जब तक आप एजुकेशन अच्छा नहीं दोगे अपने यंगस्टर्स को, तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यंगस्टर आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा? आप ब्लेम करते हो यंगस्टर्स को कि वो लोग प्रोडक्टिव नहीं है, वो लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। आपने क्या उनको स्किल्स दिए? वो अपने आप फैक्ट्री लगा के नहीं सीखेंगे, वो अपने आप स्कूल बना के नहीं सीखेंगे, आप लोगों को देना पड़ेगा। क्या उन्होंने दिए? नहीं दिए, और ब्लेम करेंगे यंगस्टर्स को। और फोर्थ थिंग, जब भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है तो उसके लिए सिंपल तरीका है प्रैक्टिकल एजुकेशन और इंडस्ट्री, जो कि मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम तक हमारी गवर्नमेंट शायद करे शायद ना करे, लेकिन जब आप लोग समझदार होंगे तो प्लीज़ कुछ ऐसे इंसान को वोट दीजिएगा जो हमारे एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ना कि हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करें, ना कि वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी कास्टिज़म के बारे में बात करें। जब तक आप इस तरीके से वोट नहीं दोगे, जब तक आप अच्छे इंसानों को चुन के नहीं भेजोगे, और मैं चाहता हूँ जो अच्छे इंसान हैं वो आएँ भी पॉलिटिक्स में, आएँ वो लोग कुछ अच्छा करें। दिल्ली की बात करते हैं लोग कि दिल्ली अच्छा है बुरा है, मैं मानता हूँ दिल्ली बहुत अच्छा है, वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं जो गवर्न कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं की हुई है, या फिर जूटा ग्रेजुएशन किया हुआ है, राइट? अच्छे लोग हैं, वो फ्री में दे रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का ही टैक्स है, लोगों का ही, बच्चों का ही टैक्स है, हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ का ही टैक्स है, जिसकी वजह से वो फ्री दे रहे हैं। और वो बहुत अच्छी बात है कि फ्री देना चाहिए चीज़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द डेवलप्ड कंट्रीज़ में चीज़ें फ्री हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कब होगा? जब हमारा पूरा सिस्टम सुधरेगा, जब ये चार चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिक्स, ये चारों चीज़ें सुधरनी चाहिए। अदरवाइज इंडिया का ग्रोथ अगर आप देखें तो इसी तरीके से होगा, अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा प्लीज़, ताकि वो लोग भी इस बारे में अवेयर हो सकें। और प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने करियर की तरफ अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, प्रेजेंटिंग स्किल्स नहीं है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। एक्स्ट्रा चीज़ें कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, राइट? ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।